मंदिर स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए विधायक संयम लोढ़ा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आपको बता दें कि यहां पर दरअसल एमपी देवजी पटेल ने संयम लोढ़ा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच कमेटी में हस्तक्षेप करके विधायक स्कूल की मान्यता रद्द करने पर तुले हुए हैं और आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस शिक्षा के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सिरोही जिला में पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज में आदर्श विद्या मंदिर का है। जिस आदर्श विद्या मंदिर के सभी जगह पे विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको राजनीति की भेंट चढ़ना पड़ रहा है। जमीन अलॉटमेंट हुई और उसी जमीन पे काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने भूमाफियाओं के साथ में मिलकर उस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता गरीब और किसान, उनका कभी उत्थान ना हो, उनके बच्चे कभी आगे ना बढ़े, उनके बच्चे कभी अफसर ना बने, उस नीति पे चलने वाली ये कांग्रेस इसके ऊपर भी शिक्षा पे भी तुष्टीकरण के काम कर रही है। तो सांसद देवजी पटेल की तरफ से देखिए आरोप लगाए गए मान्यता रद्द करने पर तुले विधायक, कहा उन्होंने विधायक संयम लोढ़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।